अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा, लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया था अपना, जिसमें नेचर ऑफ श्योरिटी, लायबिलिटी, राइट्स ऑफ श्योरिटीज को हमने डिस्कस किया था। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी, उसमें हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं जिसको मैं लिख रहा हूँ। नंबर वन है हमारे पास डेथ ऑफ श्योरिटी है बेटा। नंबर टू हमारे पास है नोटिस ऑफ री वोकेशन। नोटिस ऑफ री वोकेशन है हमारे पास। थर्ड है चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ है हमारे पास रिलीज और डिस्चार्ज क्रेडिटर्स एक्ट। इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास है लॉस ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आज का हमारे पास टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। वन बाय वन हम इसको करके देखेंगे। ये रहे बेसिकली, आपके पास ये आ रहा है कि जो श्योरिटी ने लायबिलिटी ली है डेबिटर की और जो क्रेडिटर को गारंटी दी है, तो उसकी लायबिलिटी कितने तरीके से खत्म हो सकती है। तो नंबर वन, मैं आपको नंबर टू को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कुछ और क्लियर हो जाए, ताकि बाकी आसान हो जाए। लेकिन नोटिस ऑफ रिवोकेशन, नोटिस ऑफ रिवोकेशन का मतलब ये है कि अगर श्योरिटी वाला नोटिस दे देता है क्रेडिटर को कि जी देखिए, जो मैंने डेबिटर की गारंटी दी है मैं उसको वापस ले रहा हूँ, रिवोक कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कानून कहता है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर नोटिस पहले दे दिया है और अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं की क्रेडिटर ने डेबिटर के साथ, तो फिर उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, वो खत्म हो सकती है, डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, फिर कानून कहता है ये तो हो गया सिंपल गारंटी में। लेकिन कंटिन्यूटी गारंटी में
जब चाहें आप नोटिस दे दो और अपनी गारंटी को खत्म कर सकते हैं। लेट सपोज अगर कंटिन्यू गारंटी में श्योरिटी वाले ने गारंटी दी है 20 लाख रुपीज की, अभी तक क्रेडिटर ने 5 लाख रुपीज दिए, 15 लाख रुपीज नहीं दिए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जैसे ही नोटिस क्रेडिटर को मिलेगा तो 5 लाख रुपीज के बाद वो 1 रुपए की भी ट्रांजेक्शन नहीं करेगा डेबिटर के साथ। और 5 लाख रुपीज को देखा जाएगा कि इनकेस अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है डेबिटर, तो ये 5 लाख जो है फिर इसको देना पड़ेंगे, श्योरिटी को देना पड़ेंगे, वरना अदरवाइज 5 लाख के अलावा 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। और वो भी इस केस में देना पड़ेगी कि अगर प्रिंसिपल डेबिटर डिफॉल्ट कर जाता है, लेकिन 5 लाख रुपीज के अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है नोटिस के बाद, नोटिस मिलने के बावजूद क्रेडिटर, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से वापस आ जाते हैं पॉइंट नंबर वन को। पॉइंट नंबर वन में हमसे कह रहे हैं कि डेथ ऑफ श्योरिटी, कि कानून कहता है कि दो किस्म की गारंटी है। अगर सिंपल गारंटी की बात की जाए, ट्रांजैक्शन अगर अभी तक नहीं हुई है और श्योरिटी का इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो फिर कानून कहता है और ट्रांजैक्शन नहीं हुई, क्रेडिटर कंफर्म हो जाता है कि यार इसका इंतकाल हो गया, तो फिर उन ट्रांजेक्शन के लिए अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, और श्योरिटी का इंतकाल हो जाता है, तो क्रेडिटर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन कर देता है क्रेडिटर डेथ के बाद, तो जो श्योरिटी के लीगल हेयर्स हैं, कानूनी वारिस, उस ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अगर इन केस ऑफ कंटिन्यू गारंटी, 20 लाख की गारंटी दी थी, अभी 10 लाख के दिए हैं क्रेडिटर ने, उसके बाद उसका इंतकाल हो जाता है श्योरिटी वाले का, और क्रेडिटर को इन्फॉर्म हो जाता है और डेबिटर डिफॉल्ट कर जाता है, तो फिर श्योरिटी की जो लीगल हेयर्स हैं, कानूनी वारिस, वो बेटा उस 10 लाख के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और 10 लाख के अलावा वो 1 रुपये भी नहीं देंगे, चूंकि इंतकाल हो चुका, वो भी इस सूरत में अगर डेबिटर डिफॉल्ट हो जाता है। तो इन्हें हम शॉर्ट ये पढ़ा कि जैसे इंतकाल हुआ, इंतकाल से पहले पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसके लिए श्योरिटी के लीगल हेयर्स जिम्मेदार होंगे, चूंकि वो तो मर चुका है, आप उसके कानूनी वारिस ही देंगे उसको। लेकिन अगर जैसे ही इंतकाल हो गया तो उस अमाउंट, उसके बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो फिर श्योरिटी के लीगल हेयर्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं डेथ ऑफ श्योरिटी। आई होप आपको पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट 2 को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट 1 को मैंने बाद में एक्सप्लेन किया। इसके बाद आ जाता है चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से मुराद ये है, चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो टर्म्स डिसाइड हुई थी श्योरिटी क्रेडिटर और डेबिटर के दरमियान में, और अगर क्रेडिटर और डेबिटर उस टर्म्स में खुद से चेंजेस कर देते हैं विदाउट श्योरिटी कंसेंट, श्योरिटी को बताए बगैर, तो कानून कहता है कि ऐसे सिचुएशन में भी श्योरिटी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है जी, वो लायबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी, लायबिलिटीज उसकी डिस्चार्ज हो जाएगी। अच्छा जी, कैसे, लेट सपोज अगर क्रेडिटर को श्योरिटी ने गारंटी दी है डेबिटर की, जी आपने इसके साथ स्पेसिफिक गारंटी यानी सिंगल ट्रांजेक्शन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट डेट डिसाइड हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने चेंजेस कर दी उसमें श्योरिटी को बताए बगैर, वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू गारंटी मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आपने तो कंटिन्यू गारंटी की तो गारंटी नहीं दी थी, आपने स्पेसिफिक गारंटी सिंगल ट्रांजेक्शन की दी थी, तो फिर ऐसी सूरत पर भी उस कंटिन्यू गारंटी के लिए लायबल नहीं होगा श्योरिटी वाला, उसकी लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रिलीज और डिस्चार्ज डेबिटर। मैं अगर एक चीज आपको एग्जांपल दे दूं कि यार इसका मतलब क्या होगा, सपोज करें कि आपने एक घर बनाना है, आप के पास एक कॉन्ट्रैक्टर आता है और कहता है कि जी मैं एक घर बिल्कुल आपकी विल के मुताबिक, आपकी कंडीशंस के मुताबिक उसको बनाऊंगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही वो घर बनेगा, कोई इसमें जो है किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप कहते हैं यार कोई गारंटी ला के दो कि आप बिल्कुल वैसे ही काम करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास आ जाता और मुझे कहता है कि यार आप गारंटी दे दें। मैं आता हूँ आपके पास और मैं आपसे कहता हूँ कि जी बिल्कुल ये कंडीशन जो है आपके मुताबिक बनाएगा, अगर इसने जिस तरीके से घर आप चाहेंगे, जो जो आप चीजें उसमें डिजाइन करना चाहेंगे वैसे बनाएगा, और अगर इससे अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं दिखाई तो डेफिनेटली जो भी आपका लॉस होगा वो मैं पूरा करूंगा, मटेरियल बिल्कुल सही यूज करेगा। अभी घर का जो है वो थोड़ा सा पोर्शन बना हुआ है, एक ही फ्लोर बना, आपने देखा यार मटेरियल जो है वो यूज सही नहीं कर रहा,
आपने क्या कहा उसको, जो निकाल दिया, आपने कहा यार हम आपसे काम ही नहीं करवाना चाहते, कॉन्ट्रेक्टर को निकाल दिया, हालांकि उसने डिफेक्टिव मटेरियल यूज किया, अच्छा मटेरियल नहीं यूज किया, जिस तरीके से मटेरियल यूज करना चाहिए था बिल्डिंग्स पर हमारा घर बनाने में, ये चीज आपने मुझे नहीं बताई, आपने किसी और कॉन्ट्रेक्टर को हायर कर दिया, अच्छा जी काम होता गया, एक साल के बाद आपने देखा यार कि दीवारों में क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए, अब उसके लिए आप मुझे जो है वो पकड़ लेते हैं और आप मुझे कहते हैं कि जी आपने उस क्रेडिटर की जो सॉरी डेबिटर की जो है वो जमानत दी थी, गारंटी दी थी, तो ये तो घर ऐसे ही है, तो आपने भाई उसको उस वक्त तो छोड़ दिया था ना, डिस्चार्ज कर दिया था, उस वक्त क्यों डिस्चार्ज किया, उसको डिस्चार्ज किया तो उसके अंदर मेरी लाइबिलिटीज भी खत्म, अगर आप उसी वक्त उसको पकड़ लेते तो और आपको पता है कि मटेरियल जो है वो एक नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो देन ठीक है मैं उसके लिए लायबल था, लेकिन उसके बाद जब आप डिस्चार्ज कर देंगे तो फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट बेटा क्रेडिटर्स एक्ट, यहाँ कानून कहता है क्रेडिटर एक्ट से मुराद ये है कि अगर क्रेडिटर को डेबिटर सॉरी श्योरिटी वाले ने डेबिटर कोई गारंटी दी है क्रेडिटर को, लेकिन अपनी कोई कंडीशन लगा दी कि यार आपने ये काम इस तरीके से करना है, चेक इन बैलेंस रखना है, और जो भी लेट सपोज पैसों का ट्रांजेक्शन है कि आपने हर एक हफ्ते पैसे काउंट करने हैं, बट आप क्या करते हैं कि एक महीने के बाद जाके जो है वो डेबिटर्स को जॉब पे रखा हुआ एक एक महीने के बाद पैसे काउंट कर रहे हैं, पता चला वो फ्रॉड कर गया, तो कानून कहते हैं जब आपने कंडीशन उसने लगा दी थी कि हर हफ्ते करना है और आप एक हफ्ते के बजाय एक महीने के बाद काउंट कर रहे हैं, तो आपने अपने अमल से ही अपने एक्ट से ही जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी फिर जो है वो क्रेडिटर सॉरी श्योरिटी वाला जिम्मेदार नहीं हुआ, इसको कहते हैं क्रेडिटर्स एक्ट। सिक्स पे आ जाता है बेटा इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं जरा गौर से लीजिएगा, लेट सपोज क्रेडिटर और डेबिटर दोनों आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, क्रेडिटर डेबिटर से कहता है कि यार मैं तुम्हें पैसे दूंगा उधार पे और तुमने किसी ऐसी श्योरिटी को लाना है जो तुम्हारी जिम्मेदारी ले ले, बाद में तुम चीट कर जाना मैं उससे पैसा लूंगा, दोनों हाफ हाफ कर लेंगे, कानून कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए जिसके बारे में श्योरिटी को नहीं पता और बाद में पता चल जाता है कि यार ये तो माजी में ऐसे करते रहे हैं और लोगों के साथ भी इन्होंने इस तरीके से चीट किया है फ्रॉड किया है, अगर कानून कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाए तो वो इब्तिदा से क्या होगा इनवैलिड होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत कानूनी हैसियत नहीं होगी इन द आईज ऑफ लॉ। तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जल्दी से आप अपने माइंड में रिकॉल कर लें, देन मैं 7th आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मिक्स अप नहीं। अच्छा बेटा इसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है लॉस ऑफ सिक्योरिटी, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके थे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था, लेट सपोज कि आप जो है आपने किसी की जमानत दी है, आप श्योरिटी वाले हैं आप गारंटर हैं, आपने किसी डेबिटर की जमानत दी है क्रेडिटर, अच्छा अब होता ये है कि आपने दी है 5 लाख की जमानत, ठीक है जी, उस 5 लाख के बदले में तकरीबन 10 लाख का गोल्ड जो है वो श्योरिटी वाले सॉरी क्रेडिटर ने एज ए श्योरिटी के तौर पर डेबिटर से लिया है, ये भी आपको पता है, अब जो 5 लाख रुपए जिस टाइम पे देना था डेबिटर डिफॉल्ट कर जाता है, आप कहते हैं श्योरिटी वाले आप ये नहीं कहते हैं क्रेडिटर से कि भाई ठीक है हम वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं लेकिन जो सिक्योरिटी के तौर पर गोल्ड रखा है वो आप हमें दें, पता चला वो गोल्ड उससे लॉस हो चुका है, तो कानून कहता है कि जब वो सिक्योरिटी लॉस हो गई है जो डेबिटर ने क्रेडिटर के पास रखवाई है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपकी लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है जी स्टूडेंट्स, नया टॉपिक हम कर रहे हैं बड़े गौर से सुनिएगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है,
ये हमारे पास बेटा इनडेबिलिटी गारंटी का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके डिफरेंसेस भी मैंने आपको बता दिए थे शुरू में ही। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमारे पास नया टॉपिक है, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं, पार्टीज ऑफ बेलमेंट दो पार्टीज होती हैं इसमें, एक होता है बेलर एक होता है बेल। ठीक है जी, ये हमारे पास दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। फिर इसके बाद हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर। नंबर वन ड्यूटी टू डिस्क्लोज ड्यूटी टू डिस्क्लोज faults number 2 है duty to repay necessary expenses method है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर डिमांडिंग बैक द गुड्स फोर्थ है duty to indemnify for defective for defective title fifth step because duty to save the goods sixth duty to repay extra ordinary expenses अच्छा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमारे पास टॉपिक है, और से जरा सुन लीजिएगा।
बेलमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मतलब ये है कि जब एक पर्सन अपने गुड्स गुड्स कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं, कोई ज्वेलरी, कोई गाड़ी, कोई लैपटॉप, एक्सवाइजेड, कोई मशीनरी, कानून कहते हैं कि जब एक पर्सन अपने मूवेबल गुड्स किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर करता किसी पर्पस के लिए है, किसी पर्पस के लिए और कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे करता है, और उसे कहता है कि जब तुम्हारे पर्पस मुकम्मल हो जाएगा तो तुम ये गुड्स मुझे वापस डिलीवर कर दोगे, या जो मैं डायरेक्शन दूंगा उसको तुम फॉलो करोगे, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मतलब अ पर्सन बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ पर्सन डिलीवर द गुड्स टू अनदर पर्सन For some purpose up on a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned according to the direction of the person who delivered the goods is called contract of payment. दोबारा सुन लीजिएगा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक शख्स अपनी चीजें दूसरे शख्स को देता है कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर कि जब तुम्हारा मकसद मुकम्मल हो जाएगा तुम ये चीज मुझे वापस रिटर्न कर दोगे, इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। यानी अगर आप अपना लैपटॉप किसी को दे देते हैं काम करने के लिए, या लैपटॉप को छोड़ दीजिएगा, अगर आप यूं कर लेते हैं कि आप रेंट ए कार वाले हैं, आप अपनी गाड़ी किसी कस्टमर को देते हैं और ऐसे कहते हैं कि जब तुम्हारा मकसद मुकम्मल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी मुझे रिटर्न कर दोगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको और उसको क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाएगा। अब इसमें बेटा दो पार्टीज आ जाती हैं, एक को हम कहते हैं बेलर और एक को हम कहते हैं बेली। बेलर वो शख्स होता है कि जो कि चीजें देने वाला होता है, और बेली वो शख्स होता है जो कि चीजें लेने वाला होता है, ठीक है जी। यानी द पर्सन हु डिलीवर्ड द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। यानी आपने अगर गाड़ी दी है, आप रेंट ए कार वाले, तो आप क्या कहलाएंगे? बेलर। बेली वो होता है जो चीजें लेने वाला होता है, द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको बेलर चीजें डिलीवर्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं? बेली। यानी वो रेंट ए कार आपने जिसको दी है, जो कस्टमर है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेटा बेली, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ड्यूटीज ऑफ बेलर हमारे पास आ जाता है कि बेलर जब आप कोई चीजें डिलीवर करेंगे बेली को, तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं? नंबर वन में आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट। इसका मतलब ये है कि बेलर जब भी कोई चीज बेली को देगा, अगर उस चीज में कोई फॉल्ट है, किसी किस्म का डिफेक्ट है, और वो चाहे बेलर को मालूम है या नहीं मालूम है, आपने बेली को दे दिया, वैसे तो मालूम होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं मालूम है, और अगर मालूम है और आपने उसको नहीं बताया, ना बताने की वजह से उसका कोई भी नुकसान हो गया, तो कानून कहता है वो नुकसान आप पूरा करेंगे, आप उसको पैसा देंगे, कॉम्पनसेट करेंगे, इसको कहेंगे ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट। इन उस फॉल्ट को आपको बताना चाहिए। नंबर टू है ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस। कानून कहता है कि बेलर अगर आपने कोई चीज बेली को दी और उस पर कुछ अखराजात हो गए और अखराजात करना पड़ गए लाजमी तौर पर बेली को, चाहे आपका उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी था एक्सपेंसिस का, बट फिर भी उसको उसको एक्सपेंसेस करना पड़ गए, तो ऐसी सूरत में भी आप उसको पैसा पे करेंगे जो एक्सपेंसेस आपकी बिहाफ पे उसने इनकर्ड किए हैं, ठीक है जी। दोबारा सुन लीजिएगा, कानून कहता है कि बेलर अगर आपने बेली को कोई चीज दी, ठीक है जी, और बेली को उस पर कोई एक्सपेंसेस करना पड़ गए, चाहे आपने ना भी बोला लेकिन फिर भी उसको करना पड़ गए हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कानून कहता है कि आपको वो एक्सपेंसेस बेली को देना होंगे, आपकी ये ड्यूटीज। थर्ड में आ जाता है बेटा ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर डिमांडिंग बैक द गुड्स। इसका मतलब ये है कि बेलर अगर आपने अपने गुड्स बेलर ने बेली को दिए, ये कोई मशीनरी दी है, एक महीने के लिए आपने मशीनरी दी, उसको इस्तेमाल करने के लिए अभी टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, और उस टाइम पीरियड से पहले ही आप 15वें दिन या 20वें दिन उससे मांग रहे हैं,
अब वो मशीनरीज आपको रिटर्न कर रहा है और उसमें उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मार्केट से कहीं और से मशीनरी लेगा, उसको हो सकता है महंगी पड़े, तो जितना वो महंगे पैसे और दूसरे शख्स को देगा उतने पैसे आप उसको फिर इंडेमनीफाई करेंगे। इंडेमनीफाई का मतलब है रिइम्बर्स करना, कॉम्पनसेट करना। इन्हें अगर बेलर बेली को कोई चीज देता है और जो टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है उस टाइम पीरियड से पहले अगर आप मांग रहे हैं, उस मांगने की वजह से बेली का नुकसान होता है, तो वो बेली को फिर आप इंडेमनीफाई करेंगे। दैट इज पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर फोर में वो कह रहे थे ड्यू टू इंडेमनीफाई टू फॉर डिफेक्टिव टाइटल। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर बेलर ने कोई चीज बेली को दी और जो कि बेली की नहीं थी, ठीक है, इन्हें मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज करें आप किसी से गाड़ी लाते हैं और आप कहते हैं यार मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, या आपसे किसी ने गाड़ी ले लिया और आपसे उसने कहा कि यार मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ आप, लेकिन ये मैं 2 दिन के ट्रायल के लिए ले जा रहा हूँ, आपके तो के फैन ले जाए, पता चला वो गाड़ी उसने आगे जो है वो रेंट पे दे दी, आपको पता भी नहीं है, ठीक है जी। बाद में वो कहता है कि मुझसे गाड़ी खो गई, आपने FIR वगैरह कटवा दी, वो जिसको रेंट पे दी उस बेचारे को तो नहीं पता ना, लेकिन जो आपसे गाड़ी लेके गया उसने अपने आप को बेलर शूट किया और दूसरे क्या हो गया, वो जो गाड़ी लेके गया वो बेली हो गया। FIR के बाद हो सकता है वो अरेस्ट हो जाए, जो भी एक्सपेंसेस होंगे लॉयर्स के कोर्ट्स के वो सारे इस शख्स की वजह से, वो जो आपसे गाड़ी लेकर गया था एज अ बायर के तौर पर, तो कानून कहता है कि अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है, कोई चीज़ आपको बिलोंग नहीं करती, बट अगले को आपने ये रिप्रेजेंट किया कि मैं इसका मालिक हूँ, ऑल दो आप इसका ऑनर नहीं थे, रियल ऑनर, ऐसी सिचुएशन में आप उसको पैसा पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर डिफेक्टिव टाइटल। इसके बाद आ जाते हैं बेटे ड्यूटी टू रिसीव द गुड्स। कानून कहता है कि बेलर अगर आपने कोई चीज बेली के पास रख पाई है सेफ कस्टडी के लिए, ठीक है जी, जो टाइम दिया था बेली ने आपको वो टाइम कंप्लीट हो जाता है और आप उस टाइम पीरियड पे नहीं रिसीव करते, तो जो भी बेली का नुकसान हुआ है टाइम पे रिसीव ना करने की वजह से वो आप उसको पे करेंगे, ठीक है। यानी अगर आपने किसी की गोडाउन में चीजें रखवाई सेफ कस्टडी के लिए, आपने कहा 1 महीने के बाद हम ले जाएंगे, उसने कहा ओके फाइन, वो जो गोडाउन वाला था वो बेली था, उसने किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यार बस ये 1 महीने के बाद 10 दिन रह गए वो ले जाएगा चीजें, आप अपनी चीजें रख देना और उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं वहां से, बट आप अपने उस टाइम पे पैसे ही नहीं लेगा, वो कस्टमर उसका टूट गया, उसका लॉस हुआ, तो कानून कहता है कि अगर आपने टाइम पे रिसीव नहीं की चीज़ें और अगले का लॉस हो जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप उसको जो है वो इंडेमनीफाई करेंगे, बिकॉज आपकी ड्यूटी है कि जो टाइम पीरियड है उस पर आपने अपनी ड्यूटी गुड्स को रिसीव करना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 जल्दी से देख ले इसको बेटा। इसके बाद बेटा एक चीज लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ड्यूटी टू रीपे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अननेसेसरी एक्सपेंसेस में फर्क है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि सपोज करें कि आपके दोस्त ने आपके पास एक गाड़ी रखवाई, अपनी गाड़ी रखवाई सेफ कस्टडी के लिए, तो डेफिनेटली तौर पर आप उससे कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे सेफ कस्टडी के लिए, वो आउट ऑफ सिटी जा रहा है, जो उसका एरिया था वहां गाड़ियों की चोरी वोरी होती थी, अब आपके पास उससे गाड़ी रख पाई, पता चला आपके एरिया में भी गाड़ी का कभी साइड में गायब हो रहा है, कभी अंदर के जो एसेट्स हैं वैल्यूएबल एसेट्स वो गायब हो रहे हैं, तो आपने क्या किया उस गाड़ी की इंश्योरेंस करवा दी या उसके लिए नाइट वॉचमैन रख लिया, हालांकि आपको कोई पैसों पैसों का डील नहीं होता उससे। तो कानून कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जो आपने नाइट वॉचमैन रखवाया या फिर गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई, आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, तो कानून कहता है कि ये जो पैसे हैं ये आप
बेलर से रिसीव कर सकता है, और बेलर की ड्यूटी है कि आपको ये वो पैसे पे करेगा। इसको हम कहते हैं बेटा ड्यूटी टू रीपे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था ड्यूटीज ऑफ बेलर का। तो हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में पार्टीज पढ़ ली, ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्लेच का टॉपिक। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला उल अजीज नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, दैट इज कॉल्ड प्लेज, उसको कंटिन्यू करेंगे और होपफुली आपका सिलेबस एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप पूछ सकते हैं पर्सनली, जो मैं बार बार कह चुका हूँ आप लोगों से। ठीक है बेटा।